नेटवर्क, हर खबर पर नजर। मोदी सरकार द्वारा लागू किए गए CAA के समर्थन को लेकर एक्टर दीपंडित बाइक पर सवार होकर मुंबई से मंगलवार को निकले हैं। बुधवार की सुबह संघ प्रदेश दानहा में लोगों से मिले, जहां पर दानहा के लोगों ने एक्टर धीरज पंडित के यात्रा सराहते हुए उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। क्या है इस यात्रा का उद्देश्य, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जैसे कल मैं मुंबई से निकला, सिलवासा में रात को रुका, अब सूरत जाऊंगा, बड़ौदा जाऊंगा, अहमदाबाद जाऊंगा, उसके बाद हिम्मतनगर, फिर राजस्थान, जयपुर, अजमेर होते हुए मथुरा, दिल्ली तक पहुंचूंगा मैं, या बीच में जो जो भी मुझे आसपास नज़दीक में कोई नगर दिखा, कस्बा दिखा, तो हर जगह जाऊं और लोगों से बातचीत करूं। और रही बात सपोर्ट करने की, तो एक आम नागरिक, ये धर्म है, कह लीजिए फ़र्ज़ है हर भारतीय का, इस मुद्दे पर माननीय मोदी जी के साथ हों, ये बहुत आवश्यक है। ये मौका अगर चूक गए तो फिर ये कानून दोबारा बनाना बड़ा मुश्किल होगा, इससे मैं सपोर्ट में, समर्थन में निकला हूँ। आज सिलवासा पहुँचे हैं, किस तरह से लग रहा है यहाँ पर, किस तरह समर्थन आपको मिल रहा है? पूजनीय गुरुदेव हमारे साथ हैं और यहाँ के स्थानीय काउंसिलर नीलेश जी हमारे साथ हैं, सिंह साहब भैया हमारे साथ हैं, और समर्थन हर कोई चाहता है, हर हिंदुस्तानी चाहता है, वो दिल से इस मुद्दे पर कम से कम मोदी जी के साथ हैं। और मेरा भी यही कहना है कि अगर आपको किसी प्रकार का वैचारिक मतभेद है, तो ऐसे बहुत सारे मौके आपको मिलते रहेंगे, वहाँ मोदी जी का विरोध कीजिएगा, बीजेपी का विरोध कीजिएगा, लेकिन यहाँ पर किसी पार्टी विशेष का सोच करके, या भाई मोदी जी ने लागू किया तो विरोध ही करना है, अगर इस मानसिकता से इस बिल का विरोध किया जा रहा है, तो मुझे लगता है ये गलत है। तो वैचारिक मतभेद के बहुत मौके मिलेंगे, कम से कम इस मुद्दे पर पूरे देशवासी को एक साथ होना चाहिए, और वो समर्थन मैं सिलवासा में देख रहा हूँ। यहाँ मैंने एक रजिस्टर मेंटेन किया है, जिसमें सपोर्टर ऑफ NRC एंड CAA और अगेंस्ट ऑफ NRC एंड CAA, तो एक भी व्यक्ति सिलवासा में मुझे अगेंस्ट नहीं दिखा, कोई मोदी जी के इस प्रस्ताव का विरोधी नहीं दिखा। लगभग सैकड़ों की संख्या में लोगों ने यहाँ पर समर्थन जताया, सिग्नेचर किया, अपना फ़ोन नंबर भी दिया, तो ये देख करके बहुत अच्छा लगा। और ये देशभक्त हैं, ये किसी पार्टी भक्त नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के भक्त नहीं है, ये देशभक्त हैं, गर्व है मुझे सिलवासा पर। देखिए, जहाँ तक सवाल है विरोध और समर्थन का, तो हर किसी के पास अपना एक व्यक्तिगत पर्सनल चश्मा है, जिस नज़र से वो पूरी दुनिया को देखता है। अब जैसे मैं वहाँ से निकला, निकलने के बाद मेरी बाइक का क्लच प्लेट ख़राब हुआ, तो वसई फाटा के पास मैंने बाइक रोकी, सोचा कि इसको मैं बनवा लूँ, और ये बैनर मैंने वहाँ रख दिया, तो चूंकि बैनर रखा है तो साफ साफ लोग इसको पढ़ रहे थे, तो कई लोग आकर के हाथ मिलाए, नारा लगाया और बहुत सपोर्ट किया, थैंक यू बोला मुझे कि आप बहुत अच्छी मुहिम में निकले हैं। वहाँ से फिर मैं आगे गया, दो चार कुछ ऐसे होटल थे, अल्फा वगैरह होटल के पास भी रुका मैं पानी लेने के लिए, जानबूझ करके रुकता था, चूँकि कोलकाता से हूँ तो वो इनकलाबी कीड़ा मुझ में भी है, नहीं भी कुछ होगा तो एक बार मैं निकल जाऊंगा। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने मेरे इस कदम को पागलपन भी बताया कि अरे भाई काम धंधे पे ध्यान दो, अभी फिल्म रिलीज़ हुई है, दूसरी फिल्म पे ध्यान दो, लेकिन मुझे लगा कि अभी सबसे ज़रूरी ध्यान देने का अगर कोई विषय है तो वो ये मुद्दा है, जिसमें मेरा देश बिखरा हुआ है, जो चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं वो उनको समझ में नहीं आ रही, तो जिनको समझ में नहीं आ रही कम से कम मैं एक प्रयास तो करूँ उनको समझाने का। तो कहीं लोग मुझे समर्थन भी दे रहे हैं और कहीं लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद आंखें तरेर करके एक टफ लुक दे करके निकल जा रहे हैं, तो उनको रोक के पूछ रहा हूँ कि नाराज़गी किस बात की है, बोला नहीं ये बिल सही नहीं है, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। मैंने कहा पहले जानकारी लीजिए आप कि सचमुच आपके धर्म के खिलाफ है भी या नहीं। अब जब रामलीला ग्राउंड से माननीय मोदी जी ने कह दिया कि 2014 के पहले जो भी यहाँ पर आ चुके हैं वो सब भारत के नागरिक हैं, उनकी नागरिकता किसी प्रकार से नहीं छीनी जाएगी, तो कम से कम अपने माननीय मोदी जी का, अपने प्रधानमंत्री जी का तो विश्वास कीजिए। सबसे पहले तो मैं खेद प्रकट करता हूँ कि मुझे इस बात की जानकारी पहले नहीं मिली, मैं इसके लिए मौका गंवा रहा हूँ, मैं कह सकता हूँ।
दरअसल पहले मुझे जानकारी होती तो मैं धीरज भाई के शुभ मिशन में, शुभ काम में मैं खुद ही साथ चलता, इनकी रैली में खुद भी शामिल होता, लेकिन काम की व्यस्तता और अचानक अभी मुझे मालूम पड़ा थोड़ी देर पहले, तो इस कारण मैं नहीं जा पा रहा हूँ, इसके लिए मैं खेद प्रकट कर रहा हूँ। इन्होंने जो मुहिम लिया है हाथ में, ये बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले तो हमें समझने की ज़रूरत है, लोगों को मिलने और समझाने की ज़रूरत है। लोग सड़क पर उतर गए हैं, विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, CAA क्या है, CAA क्या है। अब किसी को पूछो CAA क्या है तो कोई बोलता है साहब ये तो बलात्कार बढ़ रहा है उसके विरोध में है। कोई बोलेगा CAA क्या है तो बोले साहब ये तो सरकार अत्याचार कर रही है उसके विरोध में है। किसी से पूछ लो आप CAA क्या, विरोध क्यों हो रहा है भाई, वो विरोध प्रदर्शन में शामिल क्यों हो आप, तो बोलेगा साहब देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है इसके लिए हम विरोध में हैं। साहब CAA का भ्रष्टाचार बलात्कार से क्या लेना देना। CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, या इसे कहो आप CAB सिटीजन अमेंडमेंट बिल, ठीक है। ये तो नागरिकता देने का कानून है, ये नागरिकता छीनने का कानून है ही नहीं। कहीं भी किसी भी विरोध प्रदर्शन वाले से पूछो बोलेगा वो तो हमको भी जी यहाँ से खदेड़ने वाले हैं, हिंदुस्तान से हमारी नागरिकता पूछ रहे हैं, हमारे बाप दादा का नाम पूछ रहे हैं, हम कैसे बता दें उनको। अरे भाई साहब बाप दादा का नाम आपने अपने रजिस्टर में लिखा होगा, आपने हर जगह स्कूल में लिखवाया होगा, आपने स्कूल सर्टिफिकेट भी लिखवाया होगा, सरकारी दस्तावेज में लिखवाया होगा, राशन कार्ड में लिखवाया होगा, तब तो आपने सरकार का विरोध नहीं किया। जब आप राशन कार्ड बनवाए उसमें माँ बाप का नाम लिखवाया तब तो आपने विरोध नहीं किया। आधार कार्ड में आपने लिखवाया, पैन कार्ड में लिखवाया, सरकार के पास बैंक खाते खुलवाने में लिखवाया आपने, लोन लेने में लिखवाया आपने, सरकार की सब्सिडी लेने के लिए नाम लिखवाया आपने, माँ बाप का नाम, दादा दादी का नाम आपने सब शामिल करवाया, बल्कि बुला बुला के जो नहीं पैदा हुए उनका भी नाम लिखवा दिया आपने राशन कार्ड में, आप सब्सिडी लेने का फ़ायदा लेने के लिए। उस समय तो आपको तकलीफ नहीं हुआ। आज अगर नागरिकता के लिए सरकार आपसे दस्तावेज मांग रही है, NRC में वो प्रोविजन है, तो उसमें तकलीफ कहाँ से आ गई। लेकिन उससे भी बड़ी बात तो ये है कि NRC अभी तक प्रपोजल नहीं हुआ है, उसका कोई प्रस्ताव नहीं आया है, कहीं उसकी कोई प्रस्तावना नहीं हुई है, कहीं उसका कोई चर्चा नहीं सरकार के पास, कहीं कोई विधेयक नहीं बना अभी तक, कोई प्रारूप तैयार नहीं हुआ है, तो लागू कहाँ से हो गया। ये कैसे समझा रहे लोगों को, NRC का विरोध कर लो जी। लागू हुआ है CAB सिटीजन अमेंडमेंट बिल, या कहो CAA, ठीक है। इसमें प्रोविजन ये है कि नागरिकता दी जाएगी, नागरिकता छीने जाने की प्रोविजन कहाँ से आ गया इसमें। मैं तो मोदी जी को पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो बिल पास किया है जो हिंदुस्तान में अपने, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और अमित शाह जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यहाँ जो मुंबई से अपना धीरज भाई जो ये निकाल के आए हैं और रैली जो अभी यहाँ से चलेंगे या दिल्ली तक जाएंगे, ये बहुत खुशी की बात है कि किसी न किसी को ऐसा निकलना ज़रूरी है, तो ही पता चलेगा कि इंडिया में क्या चीज़ हो रहा है। ऐसे ही सब लोग पब्लिक ऐसे ही विरोध कर रहे, किस वजह से विरोध कर रहे हैं वो लोग, विरोध का कोई मतलब तो समझो पहले, विरोध क्या, किस चीज वजह से विरोध हो रही है, क्या हो रही है, ऐसे ही निकल के विरोध कर रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है ना विरोध करना, कोई चीज़ समझो पहले फिर विरोध करो। ये मैं बहुत खुशी की बात मानता हूँ कि यहाँ मेरे वार्ड नंबर 4 में जो मुंबई से आए धीरज भाई, एक रैली यहाँ निकल के, बाइक रैली निकल के अभी यहाँ से जाएंगे दिल्ली तक, जब मोदी जी के साथ मिलेंगे, वो बहुत खुशी की बात है कि ऐसे कोई और निकलो इंडिया से। मैं तो मानता हूँ कि जो निकलना ज़रूरी है वही समझ में आएगा कि क्या है चीज़ ये। मैं धीरज भाई को जो मेरे वार्ड से है मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं, और इन मेरे तरफ से जो वार्ड में जो भी मेरे तरफ से हेल्प मिलेगी सिलवासा में, मेरे तरफ से जो भी हेल्प हो सकेगा वो मैं करूँगा धीरज भाई को। और इसको मैं और आगे धीरज भाई को बोलूँगा कि और आगे आप और बढ़ाइए, और उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ धीरज भाई। सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया के मूल मंत्र पे धीरज पंडित जी संपूर्ण भारतवर्ष को CAB और NRC के प्रति जागरूक करने की इच्छा से बाइक द्वारा, मोटरसाइकिल द्वारा पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं, जिसमें कि यहाँ से नेशनल हाईवे नंबर 8 पे होते हुए, मुंबई से होते हुए और ये दिल्ली तक जाएंगे। दिल्ली के संसद भवन में जाकर के मोदी जी को दो रजिस्टर बनाए हैं इन्होंने, एक पक्ष में एक विपक्ष में, दोनों आदमी का बात ये रखेंगे और सरकार, भारत सरकार को बताएंगे कि पक्ष में इतने लोग हैं और विपक्ष में इतने लोग हैं। आज विपक्ष में लोग हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि हम किसका विपक्ष कर रहे हैं, किसका विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं प्याज का विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं बलात्कार का विरोध कर रहे हैं। अरे ये कानून कोई प्याज और बलात्कार का नहीं है, ये कानून जो है ये नागरिकता का है। नागरिकता किसका, जो व्यक्ति दूसरे देश से आए हैं और प्रताड़ित लोग हैं और एक धर्म समुदाय से जुड़े हुए हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ सांप्रदायिक माहौल है, यहाँ पे हर देश के हर प्रकार के नागरिक रहते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। तो हिंदू यहाँ बहुसंख्यक हैं
तो जो बाहर से हिंदू आ रहे हैं उनको इस बिल में नागरिकता देने का प्रावधान है, और ऐसा कुछ नहीं है कि दूसरे की नागरिकता इसमें छीना जाए। इसी चीज़ को धीरज जी पूरे भारत में जागरण के तौर पर, जन जागरण के लिए बाइक रैली के द्वारा घर घर तक पहुंचाने के लिए हैं। सबसे पहला पड़ाव इनका मुंबई से प्रारंभ होकर के सिलवासा में रुका। वार्ड नंबर 4 के काउंसलर मायावंशी जी ने इनका भव्य स्वागत किया। ठाकुर रणवीर सिंह जी ने इनका भव्य स्वागत किया। यहाँ के पत्रकार बंधुओं ने इनको खुला समर्थन दिया और कैब और NRC के प्रति इनको और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके लिए एक बार पुनः धीरज जी को हार्दिक धन्यवाद और हार्दिक बधाई देना चाहूँगा कि धीरज जी इस कार्य को कर रहे हैं। और बॉलीवुड में जो जितने बॉलीवुड के भाड़ जो आप देख रहे हो, जो कुछ लोग हैं जो बॉलीवुड के माध्यम से देश को बर्बाद करने की चेष्टा कर रहे हैं, धीरज जी भी बॉलीवुड में हैं, काफ़ी पिक्चरें इन्होंने बनाया है, तो इन्होंने बॉलीवुड के द्वारा ये संदेश दिया कि बॉलीवुड खिलाफ़ नहीं है, बॉलीवुड उनके साथ खड़ा है, मोदी जी के साथ खड़ा है। भारत माता की जय, वंदे मातरम।